हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग को जिस तरह का ईमेल सब्सक्रिप्शन का पोस्ट नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट में ब्लॉगर की कैसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूं। आपको इसके लिए सीधा न्यू टैब ओपन करना है क्रोम पर। गूगल पर न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको अपना वेबसाइट ओपन कर लेना है। उस वेबसाइट को ओपन करना है, मैं नाम बता देता हूँ आपको। आपको यही नेम सर्च करना है, वन सिग्नल। तो ये फर्स्ट नंबर पे आई onesignal.com, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, अगर आप यहाँ पर लॉगिन है पहले से तो आप लॉगिन कर सकते हैं, तो साइन अप करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैं न्यू हूँ यहाँ पर, तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा। मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा। तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ये नो थैंक्स कर दीजिए इसे और थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल देना। आप वेबसाइट का भी नेम डाल सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये सब फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं, आप अपनी ईमेल का पासवर्ड मत डालिएगा। और क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए कुछ पार्ट हाइड किया हुआ है, आपको सिंपली फिल कर देना। फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ हमें क्या करना है इसके आगे। मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया, अब थोड़ा सा वेट करना है। देखिए चैन ये मैं नेवर कर देता हूँ। चेक योर ईमेल लिखा हुआ है, वी हैव सेंड अ मैसेज। तो ईमेल पर आपको इसी जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर जाना है। देखिए मेरे में आ गया मेल, कंटिन्यू योर अकाउंट, ये ब्लू कलर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अपने ईमेल पर जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर मेल आया होगा, तो ये वही मेल है, मैंने उस पर कन्फर्म कर दिया है। अब ये न्यू पेज ओपन हो रहा है, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको जिस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। अब नेम ऑफ योर, मैं यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ। देखिए ये है नेम ऑफ योर ऐप और वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट का नेम डाल देना है यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है URL मत डालिएगा, नेम डालना है। तो मेरा ये सैंपल ब्लॉग है, तो मैं सैंपल ब्लॉग ही नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको वेब पर क्लिक कर देना है। देन गाइस ये ब्लू कलर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये प्रोसेस ले रहा है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है जिसमें ब्लॉगर और वर्डप्रेस का लोगो बना है। इस पर क्लिक करके आपको ब्लॉगर के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो ब्लॉगर पर क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है इसलिए उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम डालना है। मैं सैंपल ब्लॉग ही लिख देता हूँ और यहाँ पर URL में ले आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ अपने ब्लॉग का। इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो ऐसे ऐसा ही रहने देंगे, हम ऑन ही रहने देंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आइकन, यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का अपलोड कर सकते हैं या फिर URL भी डाल सकते हैं। तो मैं आइकन अपलोड कर देता हूँ, जो मेरे ब्लॉग का लोगो है वही मैं फेविकॉन यहाँ पर लगा देता हूँ। कुछ पार्ट यहाँ पर भी मैंने हाइड किया हुआ है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। देखिए मैं चैनल का लोगो ही यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, अपने चैनल का लोगो। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है चूज अ लेबल, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं लेबल, कुछ भी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल राइट साइड में माई लेबल लिखा आ रहा है, देखिए माई लेबल लिखा हुआ राइट साइड में, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैंने अपने ब्लॉग का URL का आगे का डाल दिया है। ये एक सैंपल ब्लॉग है, आपको सिर्फ शो करने के लिए मैंने इसे बनाया है। अब नीचे जाना है हमें, डाल देता हूँ वेलकम टू सैंपल ब्लॉग, मेरे ब्लॉग का नाम सैंपल ब्लॉग है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आर ब्लॉग, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। अपने ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। और राइट साइड में आपको शो हो रहा है, जो कोई सब्सक्राइब करेगा उसे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन जाएगा, मोबाइल शो हो रहा है राइट साइड में। नाउ गाइस आपको नीचे जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये एडिशनल पुश सेटिंग्स, तो इसे आप ऐसा ही रहने दीजिए जैसा डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ब्लू कलर का बटन है नीचे, मैं नीचे चला जाता हूँ और सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कॉपी कोड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये कोड कॉपी कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये कोड कहाँ पेस्ट करना है। आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी करना है और हेडर के नीचे लगाना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, ये लास्ट स्टेप है। अब हमने अपना ब्लॉगर ओपन कर लिया है और ब्लॉगर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड में थीम पर, और यहाँ पर एडिट HTML पर चला जाना है।
देन आफ्टर गाइस आपको यहाँ पर ये फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे हेड दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ हेड, तो इसे इस पर प्रेस कर आपको एंटर मारना है और इस कोड को पेस्ट कर देना है। आप इससे पहले बैकअप भी ले सकते हैं, एक बार मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो देखिए अब मैं व्यू ब्लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। देखिए जैसे ही कोई व्यूअर आपकी वेबसाइट का पेज ओपन करेगा या वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसके 5 to 6 सेकंड के अंदर ही, कभी कभी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही ये पोस्ट नोटिफिकेशन उसके पास आ जाएगा कि वो सब्सक्राइब कर सकता है आपके वेबसाइट को जस्ट क्लिक करके। तो कुछ इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर पोस्ट नोटिफिकेशन ईमेल सब्सक्रिप्शन का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसे करने में कोई भी इशू आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।